नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 15 सितंबर 2022 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीएलएड फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर डेट शीट 2022 की अपडेट को देखेंगे। एक बार दोस्तों आपको बताएंगे, इस समय प्रत्यावेदन के फॉर्म लखनऊ एससीईआरटी में जमा किए जा रहे हैं। जल्द से जल्द जाकर दोस्तों आप लोग अपना प्रत्यावेदन का फॉर्म सबमिट कर दीजिए, ठीक है। अब लेट मत करिएगा, नहीं तो फिर क्या होता है ना, जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाता है तब आपका नाम वहां पर शो नहीं करेगा, ठीक है। तो जिस भी बच्चों की मतलब किसी भी विषय में अब तक 3 बार बैक लग चुकी है, उन बच्चों के लिए विशेष बात है। नहीं तो जब लास्ट टाइम में आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरने जाएंगे तब आपका वहां पर नाम शो नहीं करेगा, फिर आप लोग परेशान हो जाएंगे। तो गाइस, आप परेशान बाद में ना हो, इसलिए अभी थोड़ा सा परेशान हो के समय निकाल कर पहुँच जाइए, अपना फॉर्म सबमिट कर दीजिए। जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके दोस्तों, 3 बार जिस भी विषय में आपकी बैक लगी तीनों रिजल्ट आपके पास होने चाहिए। एक अप्लीकेशन लिखना है एससीईआरटी, ठीक, वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा दूसरे बच्चे लिखे होंगे अगर आप अप्लीकेशन नहीं लिख पा रहे हैं, और उसके बाद एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी। तो इतनी चीज़ लेकर आप पहुँच जाइए, तुरंत आपका काम हो जाएगा बिल्कुल फ्री में। एक बार ज़रा ध्यान रखिए, इसका कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। आप जब लखनऊ एससीईआरटी जाएंगे, अगर आप दूसरे के थ्रू करा रहे हैं तो हो सकता है वो आपसे कुछ पैसा ले लें, इस बात पर ले लेंगे कि अगर आप लखनऊ आएंगे तो आपका इतना खर्चा होगा ऐसे वैसे, ठीक है। तो हम तो ये कहेंगे एक बार आप लोग जाइए देख कर आइए, क्योंकि प्रत्यावेदन फॉर्म सबमिट करने के बाद भी कुछ बच्चों का नाम नहीं आता है, फिर बाद में आपको परेशान ना होना पड़े। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के हर एक अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे। स्कूटनी में आवेदन की प्रक्रिया लगातार जारी है, जल्द से जल्द आप लोग को आवेदन करना है। फेल छात्रों की जो भी बड़ी खबर होगी उसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। एक साथ हुआ चयन पर कई अभ्यर्थी रह जाएंगे जूनियर। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी वैकेंसी एक साथ निकाली जाती है, जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती देख लीजिए, ठीक है। ये दोस्तों 2-3 चरण में भर्ती प्रक्रिया कम्प्लीट हुई। अभी आपको बता दें इसमें 6,800 बच्चे ओबीसी और एससी कैटेगरी के वो छात्र हैं, ठीक है, ओबीसी और एससी, ठीक है, वो बच्चे जिनके साथ मतलब आरक्षण घोटाला हुआ था, और उन बच्चों को अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला। तो सोचिए 69,000 शिक्षक भर्ती में सभी बच्चों का नाम आए, लेकिन ये बच्चे अब जूनियर हो जाएंगे। तो एक एक करके दोस्तों आज की तमाम बड़ी खबर को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं डीएलएड परीक्षा की डेट शीट कैसी होगी। तो एक दिन में दोस्तों पहले दिन प्रथम सेमेस्टर का जब पेपर होगा तो बाल विकास और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का पेपर होगा, दूसरे दिन आपका विज्ञान गणित सामाजिक अध्ययन का पेपर होगा, और अंतिम दिन हिंदी संस्कृत या उर्दू आप एक विषय लेंगे और कंप्यूटर का पेपर होगा। मतलब डीएलएड का जो पेपर होता है दोस्तों वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है, वो 3 दिन में मात्र कंप्लीट होता है। तो हर एक जानकारी आप तक होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं, ये रहे सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट। जब भी दोस्तों आवेदन की प्रक्रिया से संबंधित कुछ भी लेटेस्ट अपडेट आएगी तो सबसे पहले वो खबर आपको यहीं पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आपसे कोई भी खबर छूटने ना पाए, इसलिए हम समय समय पर आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर वही होता है कि कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट जाती है, और देखिए आप लोग की तैयारी भी उसी बेस पर होती है। काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं डीएलएड या बीएड में, टेट में, कि जो बच्चे एग्जाम डेट आने के बाद ही पढ़ना शुरू करते हैं। अभी दोस्तों आपको बताते हैं डीएलएड में बहुत से बच्चों ने भी पढ़ाई भी शुरू नहीं की, जबकि आप बार बार देखते हैं हजारों बच्चे लाखों बच्चे फेल हो जाते हैं। अगर इस साल का रिजल्ट उठा लें तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर चारों सेमेस्टर रिजल्ट में फेल छात्रों की संख्या काउंट करें तो ये संख्या लाखों में पहुँच रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब हर साल लाखों बच्चे फेल हो रहे हैं और तैयारी नाम मात्र हो रही है, ठीक है गाइस, ये लापरवाही आप लोग मत करिए तो बेहतर होगा। ये दोस्तों आप देख सकते हैं स्कूटनी फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो रहे हैं, 19 सितंबर लास्ट डेट है, जल्द से जल्द आप लोग आवेदन कर देंगे तो बेहतर है। 100 रुपये आपका एक विषय का लगेगा, ठीक है, और 200 रुपये आपका दो सब्जेक्ट का लगेगा। कॉलेज वाले आपसे एक्स्ट्रा पैसे वसूली कर रहे हैं तो वो एक अलग मैटर है, ठीक है। तो ये डीएलएड परीक्षा डेट शीट रही, इस अपडेट को भी जरा देख लीजिए। यूपी बोर्ड से अपडेट है कि यहाँ तो शिक्षक बनने के लिए लाहौर की डिग्री भी मान्य है, एडेड स्कूलों में भर्ती के 100 वर्ष पुराने नियम। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 100-100 वर्ष पुराने नियम चल रहे हैं, ठीक है। अगली अपडेट है कि बालिका की पिटाई करने वाला शिक्षा मित्र गिरफ्तार हो गया। ये दोस्तों इकोना कटरा से अपडेट आई कि शिक्षा क्षेत्र इकोना के ग्राम पंचायत जयचंदपुर कटघरा के मजरा गोविंदपुर के विद्यालय में शिक्षा मित्र की ओर से कक्षा 5 की छात्रा रोशनी की पिटाई करने का आरोप लगाया गया था। एबीएसए ने आरोपी शिक्षा मित्र को नोटिस दे दी है और पुलिस ने आरोपी का शांति भंग में चालान कर दिया है।
नंदलाल का कहना है कि उसकी पोती रोशनी प्राथमिक विद्यालय शोभाराम पुरवा में कक्षा 5 में पढ़ती है। सोमवार को वह विद्यालय में पढ़ने गई थी। इस दौरान वहां तैनात शिक्षा मित्र ने रोशनी की पिटाई कर दी। इससे रोशनी बेहोश हो गई थी। उसे सीएचसी इकोना पहुंचाया, जहां दवा उपचार के बाद रोशनी को होश आया। इस संदर्भ में रोशनी के बाबा नंदलाल ने इकोना थाना पहुंचकर शिक्षा मित्र के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। तो ये दोस्तों मामला था, तो भैया इतना मत पीट दीजिए बच्चों को, बेहोश हो जाए। एक और बड़ी खबर आई आरक्षण को लेकर कि कैबिनेट का बड़ा फैसला है कि अनुसूचित जनजाति की सूची में संशोधन यूपी पर भी असर हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी दोस्त इसका जो बदलाव होगा वो देखने को मिलेगा। टीजीटी पीजीटी से अपडेट है कि प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों ने उठाई है मांग। जी हाँ दोस्तों, प्रयागराज से अपडेट है, लेकिन यहाँ पर यही होता है कि बीएड के छात्रों को मौका मिलता है, डीएलएड के बच्चों को मौका नहीं मिलता। तो हर एक अपडेट की जानकारी हम आप तक पहुँचाएंगे, देखिए वो क्या रहा है। उसके बाद जरा इस अपडेट को हमने आपको समझा दिया कि जैसे 69,000 भर्ती में क्या हुआ, जो बच्चे फर्स्ट लिस्ट में जिनका चयन हो गया वो तो बढ़िया थे। उसके बाद जो सेकंड लिस्ट में जिन बच्चों का चयन हुआ वो बच्चे पहले से क्या हो गए, जूनियर हो गए, पहले वाले लिस्ट के हिसाब से देखा जाए तो। तो ये सब दोस्तों अलग अलग अपडेट्स हैं, हर एक अपडेट पर आप लोग नज़र बनाए रखा करिए कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या बदलाव हो रहा है, ठीक है। बाकी दोस्त डीएलएड का अगर आप रिजल्ट डाउनलोड करना चाहते हैं किसी भी सेमेस्टर का, तो कमेंट बॉक्स हमने लिंक दे दिया है, जहाँ से दोस्तों आप लोग अपना डीएलएड का रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की जो भी अपडेट आएगी अपडेट आप लोग प्राप्त कर पाएंगे। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, जल्द ही दोस्तों पेपर होगा, ठीक है। पीएनपी से दोस्तों जो भी खबर निकल कर आएगी हर एक खबर आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, कोई भी खबर आपसे छूटेगी नहीं। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट में हम लोग यही सब देखते हैं कि कोई भी खबर आपसे छूटने ना पाए, हर एक अपडेट की जानकारी आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। तो 15 सितंबर 2022 और जो भी अपडेट्स आएंगे दोस्तों अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो के अंत में एक ही बात कि भैया टेट सुपर टेट को लेकर क्या अपडेट है, क्या क्या जानकारी है। तो गाइस देखिए यूपी टेट और सी टेट के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन को जारी किया जाएगा, और इस बार एक बड़ी खुशखबरी ये होगी ना, हो सकता है कि एनसीटी का जो नया आदेश आया था उसके हिसाब से डीएलएड या बीएड करने वाले सभी छात्रों को टेट का पेपर देने का मौका मिलना चाहिए। तो हो सकता है दोस्तों कि जो भी बच्चे इस साल डीएलएड या बीएड में एडमिशन लें सभी बच्चों को मौका मिल जाए। तो बेसब्री से इंतजार है कि कब नोटिस आएगी, जो भी दोस्तों अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे, ठीक है। तो इसको लेकर आप लोग तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि क्या खबर निकल कर आएगी जल्दी, तो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बाकी दोस्तों शिक्षक भर्ती को लेकर अंतिम फैसला तो भैया हमारी यूपी सरकार या योगी सरकार का ही होगा, जो भी सरकार फैसला लेगी वो फैसला हम आप तक पहुंचाएंगे। अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए, लापरवाही नहीं करना है कि रिजल्ट आपका खराब हो, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी आपकी बेहतर होनी चाहिए। मिलते हैं दोस्तों जल्द ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे, और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं।